नमस्कार और आदाब। आज शनिचर है, सितंबर की 5 तारीख। पेश है आपके लिए 7 दिन की खबरें। सूरीनाम देश इस वक्त एक टोटल लॉकडाउन में है। कल सुबह के रात 8 बजे से आने वाले सोमवार के सुबह 5 बजे तक एक टोटल लॉकडाउन है। इसका मतलब ये है कि हर एक को घर पर रहना चाहिए। सिर्फ एसेंशियल खुरूपन, जैसे हमेशा आपसे बताया जाता है, जैसे मेहदी से सौरख में जो लोग काम करते हैं, पुलिस इत्यादि, ये सब बाहर आ सकते हैं अगर इन लोगों को इजाज़त है और इन लोगों को नौकरी पर जाना है। वैसे हम आपको बता दें ये कोविड से जुड़े खबर कि अगस्त महीना जो है सबसे जानलेवा महीना था, क्योंकि सिर्फ अगस्त महीना में 45 लोगों का देहांत ये कोविड 19 वायरस या वायरस से हुआ है सूरीनाम देश में। इस वक्त टेलर जो है, इस वक्त ये खबर जब हम आपको बता रहे हैं तो टेलर 57 तक पर है, मतलब कुल मिलाकर मार्च महीना से अब तक 75 लोगों का देहांत ये कोरोना वायरस या कोविड 19 वायरस से हो गया है सूरीनाम देश में। सरकार ये फैसला लिए है टोटल लॉकडाउन के वास्ते इस वीकेंड और आने वाले वीकेंड के वास्ते। पिछले हफ्ता का लॉकडाउन ये था सुबह के रात 8 बजे से इतवार की सुबह 5 बजे तक। ये अब बढ़ा दिया गया है इस वीकेंड और आने वाले वीकेंड के वास्ते। इसका मतलब ये है कि ये वीकेंड जो है और आने वाले वीकेंड जो है ये लॉकडाउन है सुबह के रात 8 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 5 बजे तक। सरकार ऐसा किए है मेडिस स्पेशलिस्ट के राय पर। मेडिस स्पेशलिस्ट सरकार को यह राय दिए हैं ऐसा करने के लिए, और इसलिए भी क्योंकि लोग जो बातें कहा गया है, मात्र ही लिया गया है, इस पर गौर नहीं करते थे। जोड़ तोड़ से जश्न होता था, जबकि सरकार ने कहा है कि 5 लोगों से ज़्यादा एकत्र होना यह बिल्कुल मना है। सामस कोलिंग फन फेफ तो एन मेयर प्रशोन ये बिल्कुल फरबोद है, तो भी लोग जश्न करते थे। तो ये टोटल लॉकडाउन आए हैं ये वीकेंड के वास्ते। बाकी के सभी कोविड मात्र एकलन जो है ये अभी तक लागू है, इस पर आपको गौर करना चाहिए। इस हफ्ता सस्द क्लासर्स के जो औचलाख था, इसमें ये पता चला है कि पिछले 5 वर्षों से इस साल सबसे ज़्यादा लोग पास हुए हैं मिलो एग्जामिन्स के वास्ते। लमदलक देश भर में 75.5% खलो तुच कैंडिडेटन जो है ये एक ही दम एक ही बार में मिलो के लिए पास हुए हैं। ये सबसे ज़्यादा परसेंटाज है पिछले 5 सालों में। परमारी बहू के वास्ते हम आपको बता दें कि ये परसेंटाज जो है 76.76% डायरेक्ट geslaagden। इसके अलावा वानिका में 78.39% है परमारी बहू से ज़्यादा। कमोवेना में इससे ज़्यादा 82.63% लोग स्लाग हुए हैं, पास हुए हैं। और सबसे ऊँचा स्कोर है निकेरी में 83.63% से निकेरी में सबसे ऊँचा परसेंटाज geslaagden है। इस साल कोविड के वजह से लेरफाकन में एग्जामिन्स नहीं लिया गया है। मिनिस्ट्री फॉर सोशल साकन एंड फॉलक्स हाउसफेस्टिंग पर बहुत से ऐसे टॉपर्स को नौकरी से निकाला गया है। ये ऑनथेफिंग है और ये ऐसा होता है हमेशा जब नया सरकार आती है। ऐसे में अमीना पारदी जो पोलसो मोहर जो पे एल का फोर्सिटर के बीवी है, इनको अब वहाँ पर फॉलक्स हाउसफेस्टिंग का डायरेक्टर ठहराया गया है। नया डायरेक्टर जो है AOV फोन्स का, अलगमेन औदेदास फोर्सिनिंग्स फोन्स का, ये है रोसेट फार्शफेल जो अनुष्का गोपाल राय की जगह पर आए हैं। और डायरेक्टर सुशाल साकन का अंशला सलमो की जगह पर भी नया डायरेक्टर ठहराया गया है। ऐसा न सिर्फ सुशाल साकन इन फॉलक्स हाउस फेस्टिंग पर हुआ है, लेकिन मिनिस्ट्री फॉर बेरनलैंड्स साकन पर भी पूरा टॉप जो है इसमें कुछ लोगों को बदला गया है, दूसरे लोगों को इसके जगह पर लाया गया है। नया डायरेक्टर और अंडर डायरेक्टर बैठाया गया है, और ऐसे भी हुआ है अनेक मिनिस्ट्रीज पर। देना पंचघर में तचाना लोशी
भी शामिल हो गए हैं। इसका तुला दिन हुआ है इस हफ्ता कॉलेज के रसेस से पहले, दयाना के छुट्टी से पहले, रसेस से पहले ये हुआ है। तशाना लोशे के तुला दिन से अब ये दयाना जो है पंचघर में जो लोग बैठक लेते हैं ये पूरा हो गया है। अनेक फ्रक्सिस दयाना में फिस प्रेसिडेंट भी और प्रेसिडेंट सुरीनाम देश का, सभी ने तशाना लोशे को अपना मुबारकबादी पेश किए है और इनको कहे है कि सभी तैयार है इन्हें मदद देने के वास्ते। लोशे जो है यह खास तौर पर काम करेगी सामाजिक क्षेत्र पर, सोशल मत्सखपलक फ्लक पर ये काम करने वाले है, खास गौर करने वाले है। असेंबली का सभापति जो है फोरसेटर जो है मारिनस बे कहते हैं कि ओपोसिटी और कोवालिटी जो है सभी इनको अपना मदद देंगे, इन्हें बहुत से कामयाबी दिए है और उम्मीद करते हैं कि वो बहुत कुछ सीखेंगे ये दयाना पीरियड में जब तक ये पंचघर में बैठक लेंगे। पंचघर में मंगल की रात को एक प्रस्ताव एक मोची कोवालिटी फ्रक्सी पेश किए थे, ये इन दिन हुआ है। और ये मोची था कोविड 19 मातृखलन के किस तरह से काम होगा, कोविड 19 से क्या क्या होगा, इस पर काम कैसे सरकार करने वाले है, इसी सिलसिले में ये मोची था। ये मोची या प्रस्ताव जो है एन एन फेयर तक 41 स्टेमन के साथ वोट के साथ पास हुए है पंचघर में। एनडीपी जो है ये सब भी दो मोचिस इन दिन किए थे लेकिन ये दोनों मोची पास नहीं हुए हैं, लेकिन कोवालिटी का जो मोची था ये एनडीपी इसके लिए भी अपना वोट दिए है। बैप का जो लोग थे, बैप के दो लोग जो थे, ये सब स्टेमिंग से पहले साल को छोड़कर चले गए हैं। जैसे हम आपको बताए तो एनडीपी का मोची ये 13 स्टेम 4 और 28 स्टेम 3 था, मतलब 28 लोग इसके खिलाफ वोट किए थे तो ये पास नहीं हुआ है। कोवालिटी के यह मोची जो है इसमें लिखा गया है कि सरकार पूरी तौर से ये काम करेगा, ये कोविड 19 के जो समस्या है, जितने लोग बीमार है, जो लोग बसमत है, ये फीरस जिन लोगों को है, इसे कम करने के वास्ते मरीजों का इलाज अच्छे तौर पर होगा, पूरी तौर से होगा। जो लोग जिनको मदद के ज़रूरी है कोविड के वजह से, ये लोग मुश्किल में पड़ गए है, काम इत्यादि नहीं है, नौकरी नहीं है, इन लोगों के मदद भी सरकार को करना चाहिए। और कंट्रोल जो है महंगाई जो है दुकानों में प्राइस ऑफ ड्राइविंग जो लोग करते हैं, सरकार को भी इस पर गौर करना चाहिए। आगे में कहा गया है कि ऑन द वाइज प्रोसेस पढ़ाई जो है जैसे कहा गया है वैसा ही जारी होना चाहिए, अक्टूबर महीना से पढ़ाई जारी होना चाहिए। लोगों को ये हर कोशिश करना चाहिए, सरकार को हर कोशिश करना चाहिए कि ये फायरस जो है कोविड 19 जो है और ज़्यादा नहीं फैले, इसलिए ये जो कारज जो जश्न लोग करते हैं लोगों को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसलिए भी ये लॉकडाउन आए हैं ताकि लोगों को रोका जाए ऐसा करने से। मेल्विन बाउफा जो एनडीपी के फ्रक्सी की तरफ से बात किए हैं, ये कहते हैं कि इसमें सबके भलाई है, जनता और देश के भलाई है, इसलिए लोग एनडीपी फ्रक्सी जो है इसके लिए वोट किए हैं, या मोची के लिए, कोवालिटी का जो मोची है इसके लिए वोट किए हैं। कोविड के साथ कोई पॉलिटिक खेल नहीं खेलना चाहिए, ऐसा मेल्विन बाउफा ने कहा है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है और ये जानलेवा है, इससे लोगों के जान जा सकते हैं, इसलिए बहुत गंभीर समस्या है, इसलिए एनडीपी फ्रक्सी जो है इसमें अपना साथ देते हैं। वैसे हम आपको बता चुके हैं कि दो मोचिस जो थे एनडीपी फ्रक्सी का ये पास नहीं हुए हैं, लेकिन मारिनस बे जो फोर सीटर दयाना का है सरकार से गुजारिश किए है इन दोनों मोचिस पर गौर करने को। हो सकता है इसमें कोई प्रस्ताव है जो अच्छा हो तो इस पर भी लोग काम कर सकते हैं, इसमें से निकाल के इस पर भी लोग गौर कर सकते हैं। तो एनडीपी के दोनों मोची हैं, इस पर भी गौर किया जाएगा। सरकार संतोखी ब्रंसवेग जो है ये सब फैसला किए हैं एक ही दम, जो अधिक ऊंचा तनख्वा एक्सॉर्बिटेंट सैलारी एंड तुलाखन लोगों को मिलता है इसे रोक देने के लिए।
रहेरिंग बौद्ध अधीन जो है ये सब हजारों लोगों को और कॉमेसिस को नौकरी पर लिए है, कॉमेसिस स्तर आए है और ये प्रेसिडेंट संतो की मंगर के रात को दयाना में इस बारे में खुलासा किए है, इस बारे में जानकारी दिए है। ये बताए है कि प्रेसिडेंट के कैबिनेट पर, संतोखी के कैबिनेट पर प्रेसिडेंशियल कॉमेसी जो पर्सोनेल साकन पर खोजबीन कर रहे है ये पेशतर ठहराया गया था। ये सब ये जानकारी दिए है कि कुछ 100 लोग एंकला होंदरदन कॉमेसिस जो है और बैरकरूपन ठहराया गया है, इसमें लोग बैठक लेते हैं लेकिन नहीं पता है लोग क्या करते हैं, कौन से काम करते हैं। जो लोग कॉमेसिस और बैरकरूपन में बैठक लिए हैं इन लोगों को भी नहीं पता है कि इन लोगों को क्या काम करना है। ये लोग जो कॉमेसिस और बैरकरूपन में बैठक लेते हैं इन लोगों का तनख्वाह 10 और 50 हज़ार SRD के बीच है महीनावार, मतलब महीनावार तनख्वाह इन लोगों को 3 and 5 thousand SRD मिलता है। कैबिनेट संतोखी ये कहते हैं, प्रेसिडेंट संतोखी कहते हैं कि इनके कैबिनेट पर जो है कम से कम या ज़्यादा 1,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं जिनका तनख्वाह जो है एक मिनिस्टर सलारस के बराबर है, खलेक आनंद मिनिस्टर सलारस, और इसके अलावा इन लोगों को मिनिस्टर सलारस के अलावा 50% तुलाख मिलता है, मतलब आधा तनख्वाह और ज़्यादा मिलता है तुलाख के तौर पर। ये जो है ये काफ़ी दबाव डालते हैं सरकार के खर्चा पर, और क्योंकि देश का जो इकोनॉमिक सिचुएशन हालात जो है आर्थिक स्थिति जो है ठीक नहीं है, देश में पैसा नहीं है तो सरकार के लिए मुमकिन नहीं है यह पैसा भरने के लिए। ऐसे ये जो सलारस है इतना ऊंचा सलारस लोगों को भरा जाता है और तुलाखन भरा जाता है, अगर ये रोका जाएगा, ये रोक दिया गया है तो इससे महीनावार सरकार को लगभग 2 मिलियन पैसा बचेगा, 2 मिलियन पैसा बचाया जा सकता है। कुछ लोग है कैबिनेट प्रेसिडेंट पर, एक छोटा हिस्सा लोग है जो लोग काम पर नहीं आते हैं लेकिन ये सब पैसा पाते हैं, और ये काम पर नहीं आते जबकि प्रेसिडेंट इन लोगों को व्यक्तिगत पर्सोनलक इन लोगों से कहे हैं नौकरी पर आने के लिए लेकिन ये सब कभी काम पर नहीं आते हैं, और इन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा तनख्वाह मिलता है। इसके अलावा तुलाखन मिलता है, 4 शिलिंग है फ्राई फर फूर का, ये सब तार फ़ोन कर सकते हैं सरकार के खर्चा पर, और इन लोगों के पास 2 फोन्स भी मौजूद है, 2 टेलीफोन्स है स्टार्ट क्वेश्चन पर। ये प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने कहा है पंचघर में। बसायन हिंग्स मात्र एखलन लिया गया है तो संतोखी कहते हैं कि ये ज़रूरी है, ये बसायन हिंग्स मात्र एखलन देश के भलाई, जनता के भलाई के लिए लेना है इसलिए ऐसा किया गया है। प्रेसिडेंशियल और मिनिस्टेरियल निफो पर भी ये बसायन हिंग आए हैं, सभी मिनिस्टेरीज पर और कैबिनेट पर, और ये कहा है प्रेसिडेंट की आने वाले बखरौतिंग जो वो पेश करने वाले हैं दयाना में, ये सब लिखा गया है कैसे सरकार बसायनख करने वाले है। वैसे इस बात से वो भी वाकिफ है कि कुछ लोगों का बेवजह हानि होगा, जो लोग सही काम करते हैं और सही तौर पर कॉमिसिस और वैरकरूपन में बैठक लेते हैं, बाद में एक एफालुवासी आएगा, अगर किसी को हानि हुआ है तो ये सुधारा जाएगा। तो ज़रूर कॉमिसिस और वैरकरूपन जो इस वक्त एक फरखरोत क्लास के नीचे रखा गया है इस पर गौर किया जाता है, लेकिन अगर पता चले कि बेवजह इन लोगों का हानि हुआ है तो ये भी सुधारा जाएगा, ऐसे प्रेसिडेंट ने कहा है। आगे में प्रेसिडेंट संतोखी ये भी कहा है कि सरकार जो है मिनिस्टर अरमान अखाइबर सिंह से गुजारिश किए हैं, फिनांसियन का मिनिस्टर जो है इनसे गुजारिश किए हैं, सेंट्रल लंस अकाउंटेंट्स डीन्स को गुजारिश करने को, खोजबीन करने के वास्ते कि COVID-19 फंड्स का जो 400 मिलियन SRD था सरकार बौद्ध अधीन जो है कैसे खर्च किए है, पैसा से के साथ क्या हुआ है। प्रेसिडेंट संतोखी कहे है कि सरकार सितंबर के 18 तारीख, आने वाले सितंबर के 18 तारीख 18 सितंबर को पार्लियामेंट को दयाना में, वहाँ पर पार्लियामेंटारियर्स को दयाना को पंचघर के सभी नेता को ये बताएंगे कि यह कोविड फंड्स का पैसा क्या हुआ है, इससे लोग कैसे इस्तेमाल किए हैं, सभी साइफर्स पेश किया जाएगा। वैसे संतोखी कहते कि इस नतीजे पर वो आए हैं कि
अगर जो पैसा था ये COVID-19 फंड्स में पिछले सरकार अगर ठीक तौर से इसे खर्च करता, मतलब ये है कि सही अपराट्यूर और सही सामान खरीदता, ठीक तौर पर इन्वेस्टेयर करता सिकन हाउस इंस्टेलिंग में और इंटेंसिव केयर के वास्ते, COVID-19 का जो इस समस्या है इस वक्त जो हालात दिन पे दिन बढ़ता जाता है, बिगड़ता जाता है, ये हालात ऐसा नहीं होता, इतना बुरा नहीं होता, इतना बुरा हालात नहीं होता ये COVID-19 सिटुएशन। एनडीपी फ्रैक्सी बार बार ये इल्ज़ाम लगाते हैं इस सरकार पर, नया सरकार पर, कि इन लोगों की वजह से यह हालात बिगड़ गया है। लेकिन मिनिस्टर अमर रामाधीन फोलक्सुसोंथेट का और प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी कहते हैं कि ये बिल्कुल सच बात नहीं है। संतोखी कहते हैं कि लोग इन लोगों पर कटास करते हैं ये COVID-19 के वजह से, लेकिन सरकार लोगों को पुकार करते हैं कि आप लोग मातृहीनता पर गौर करें, मातृहीनता आप गौर कीजिए पर गौर कीजिए, ताकि देश भर में पूरा तौर से सही तौर से लोगों के जानकारी दिया जाए, इंफॉर्मेशन फोरशीनिंग लोगों को देना चाहिए। इस बात से वो सहमत है कि इंफॉर्मेशन फोरशीनिंग भी ठीक तौर से पूरा तौर से नहीं होता है, तो सरकार से कहा गया है कि इस पर गौर किया जाए ताकि जनता तक पूरा तौर से ठीक तौर से सही तौर से जानकारी पहुँचे COVID-19 दिन के सिलसिले में। मिनिस्ट्री फॉर ऑनडरवेस एंड कल्चर जो है ये सब फैसला किए हैं नया स्कूल वर्ष में ज्यादा तादाद में बच्चों को एक ही लोकल में नहीं बैठाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग एक लोकल, एक स्कूल स्कूल रूम में, एक लोकल में बैठ सकते हैं, मैक्सिमल 3 लेयरलिंगन पर रूम पर लोकल। ये देखा जाएगा कितने लोकालन है और इसी आधार पर यह फैसला लिया जाएगा। यह हो सकता है कि हफ्ते में बच्चों को, सभी को रोज़ाना, मतलब हफ्ते भर स्कूल आने के ज़रूरी नहीं रहेगा, तो एक रोस्टर बनाया जाएगा कौन से दिन लोगों को स्कूल पर आना चाहिए, एक ग्रुप्स इनडेलिंग आएगा सभी स्कूलों के वास्ते, रोज़ाना लोग स्कूल नहीं जाएंगे। इसका मतलब यह भी है कि लेस रोस्टर में बदलाव आना चाहिए। इस बारे में आने वाले महीना या इस महीना में, बाद में इस महीना में लोग और खुलासा लाने वाले हैं और जानकारी देने वाले हैं। मिनिस्टर मारी लेफेंस जो ऑनडरवाइस का मिनिस्टर है, इस बारे में हमें जानकारी कुछ दे चुके हैं और कहे हैं कि आने वाले दिनों में वो और कुछ खुलासा देने वाले हैं, खुलासा करने वाले इस मामले में। कुछ ऐसे फकन और लेयर खबीदन हैं जो मल्टी मीडिया के जरिए बच्चों तक पहुंचाया जाएगा, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट के जरिए, और ख़ास गौर किया जाएगा ताल और रेकनन पर, फकन ताल और रेकनन पर, क्योंकि ये न्यू है, बाकी के फकन के वास्ते ये बासिस है, बाकी के फकन के वास्ते। वैसे दूसरा फाकन जो है अफसंस ऑनडरवेस के साथ लोगों को पढ़ाया जाएगा, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट के जरिए लोगों को, बच्चों को पढ़ाया जाएगा। एक इंस्ट्रक्सी मटेरियल, एक प्रोग्राम आएगा जो बच्चों को दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि घर पर लोग आसानी से इसके साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे मिनिस्टर ये भी कहा है कि 1,000 टैबलेट्स है स्कूलों के वास्ते, जिन स्कूलों को ये टैबलेट्स को सख्त ज़रूरत है उन स्कूलों पर यह टैबलेट्स दिया जाएगा और वहाँ पर इस्तेमाल होगा। लोग भी ये देख रहे हैं कि जो पढ़ाई है और कैसे बेहतर तौर से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, इस पर भी काम किया जाता है, इस पर गौर किया जाता है। स्लाखिंस परसेंटाज जो है इस साल के वास्ते, मिनिस्टर लीफेंस ये कहते हैं कि ये पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा, सबसे ऊंचा परसेंटाज है। वो इस बात से बहुत खुश है, लेकिन इसका दांत भी देना चाहिए सभी लेयर क्राफ्टन और स्कूल रेडर्स को, क्योंकि इन लोगों के मेहनत से ये मुमकिन हुआ है कि स्लाखिंस परसेंटाज जो है इस साल के वास्ते इतना ज़्यादा है। ये भी बताइए है कि मिलो के वास्ते एक नया रेटिंग मिलो से आएगा। इस वक्त मिलो आ है, मिलो बे है, लेकिन एक नया रिश्ते मिलो से भी आएगा, ये इनफुर होगा। ये तालन के वास्ते, आईसीटी और मात्सापे के वास्ते रहेगा, ये फकन रहेगा। और इससे लेरलेगन जिन्हें बुक होल्डन, हैंडल स्कैनर्स, विस और नाट्यूरकुंड में दिलचस्पी नहीं है, तो ये सब स्टूडी रिश्ते से मिलो से का लोग जा सकते हैं, ये तू चून कर सकते हैं यहाँ पर पढ़ाई करने को।
सरकार अब बूस्टर्स दे सकते हैं जो लोग कोविड 19 मात्र इंग्लैंड पर गौर नहीं करेगा। अभी पिछले हफ्ता हम आपको बताए थे कि होम इंस्पेक्टर नारदन ने कहा है कि जो कानून है, जो वैध है, इसमें कुछ खामियां हैं, ये पूरा नहीं है, इसलिए इसके आधार पर लोगों को बूस्टर्स नहीं दिया जा सकता है, जुर्माना लोगों से नहीं भरवाया जा सकता है। ये खामियाँ जो कानून में था और जिसके वजह से कोविड 19 के मात्र इंग्लैंड पर जो लोग गौर नहीं करते थे, जो लोग रेगल्स का उल्लंघन करते थे, लोग बूटस नहीं दे सकते थे, पुलिस इन लोगों को बूटस नहीं दे सकते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको बूटा भरना पड़ेगा। तो इस पर ज़रूर आपको गौर करना है कि अगर आप कोविड 19 के मात्र इंग्लैंड पर गौर नहीं करेंगे और अगर लॉकडाउन के समय आप मात्र इंग्लैंड पर गौर नहीं करेंगे, अगर आपको इजाज़त नहीं है, 10 मिनट से नहीं है और तो भी आप घर से बाहर सड़क पर जाएंगे, तो आपको बूटा जुर्माना भरना पड़ेगा। इस पर आपको गौर करना है। अगर आपको ऐसा पुलिस करने के लिए कहेगा तो उसी जगह पर एक ही दम आप पैसा भर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि आप एक बात में ये बूटस भर सकते हैं, बात में ये बूटस आप भर सकते हैं, रेक्टर के सामने आपको पेश आना चाहिए, जज के सामने आपको पेश आना चाहिए और वहाँ पर आप जाकर अपने बचाव में कह सकते हैं जो भी आपको कहना है। अगर जज फैसला करेगा कि पुलिस सही है, बूटा आपको भरना है, तो बूटा आपको भरना पड़ेगा। और अगर आप ये साबित कर पाए कि आप गलत नहीं थे, तो आपको बूटा नहीं भरना पड़ेगा। वैसे ये पता चला है कि लॉकडाउन पीरियड में पिछले 2 वीकेंड्स में करीबन 1000 लोग पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार किए हैं और इन लोगों को किसी जगह पर रखा गया था। सुबह के समय जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तब इन लोगों को इजाज़त दिया गया घर जाने के लिए, लेकिन जुर्माना बूटे भरने के ज़रूरी नहीं था। दो लॉकडाउन जो था पिछले 2 शनिचर को, तो पुलिस ये जानकारी दिया कि देश भर में 1000 कोविड-19 ओवर ट्रेडर्स थे। परामारीबो में 691, निकेरी में 95 और वानिका में 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मिनिस्टर जस्टिसिया एंड पॉलिटिका कैनेट अमोक्सी कहते हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि जनता जो है ये समस्या को समझे, ये समझे कि कितना गंभीर समस्या है ये कोविड-19 को लेकर, इस ये जो कोविड-19 वायरस है कितना जानलेवा, इससे लोगों के जान जा सकता है और जितने ज़्यादा आप बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, इतना ज़्यादा ये वायरस जो है फैल सकता है। तो लोगों इस पर गौर करें, जनता इस पर गौर करे और ये वायरस जो है इसे फैलने से रोके, ये कहा गया है। लोग अपना स्वभाव जो है, अपना खतरा जो है, इन लोगों को बदलना चाहिए, जनता को बदलना चाहिए, खासतौर पर ओवर ट्रेडर्स से ये कहा जाता है। तो अगर आप फैसला किए हैं सरकार के मात्र इंग्लैंड पर गौर नहीं करने को, ये वीकेंड लॉकडाउन है, आप तो भी सड़क पर जाएंगे, तो इसके लिए आप तैयार रहना कि पुलिस आपको गिरफ्तार करेगा और पुलिस आपसे जुर्माना भरवाएगा। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।